हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिस क्रिएशन। तो आज हम लोग देखेंगे केक मटेरियल जो कि केक बनाने के लिए हमें यूज़ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है केक प्रीमिक्स जो कि वेनिला फ्लेवर का है, वीगन है, वैसे वेज है। इसमें मैं यूज़ करती हूँ प्रिस्टीन ब्रांड का। आप चिराग, पिल्सबेरी ऐसे डिफरेंट टाइप्स के भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। अभी इसका वेट है 5 kg जो हमें मार्केट रेट के हिसाब से 930 rupees 5 kg का होता है, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है केक मिक्सिंग बाउल। आप घर में से कोई भी स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसे केक मिक्सिंग बाउल यूज़ करती हूँ जो कि माइक्रोवेव सेफ भी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं केक के लिए लगने वाला टिन। मीन्स आप कोई भी घर का बर्तन भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर बेकरी स्टाइल या आपको प्रोफेशनली केक बेकिंग करना है तो इस टाइप के आपको केक टिन लेने होंगे। मैंने पहले लिया था 5 inches, ये वाला केक टिन है 6 inches का जो 1/2 kg केक बनाने के लिए हमें यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 7 inches का केक टिन, ये हम लोग 1 kg केक करने के लिए ले सकते हैं। फिर यहाँ पे है मेरे पास 8 inches का केक टिन। आप 1 kg केक के लिए जैसे आपको हाइट चाहिए या विड्थ ज़्यादा चाहिए वैसे केक टिन यूज़ कर सकते हो। अभी ये केक टिन मेरे पास है राउंड टिन। हम लोग कोई भी डॉल केक बनाना है तो डॉल केक टिन भी मार्केट में मिल जाता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिया है डॉल केक टिन जो कि 1 kg का है, जिसमें 1/2 kg भी केक बेक हो सकता है और 1 kg का भी केक बेक हो सकता है, इसलिए हमें 2-3 लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्क्वायर केक टिन। अभी स्क्वायर केक टिन का यूज़ हमें कब होगा? कोई फोटो फ्रेम केक बनाने के लिए या कुछ स्क्वायर थीम का केक बनाने के लिए इस टाइप के स्क्वायर टिन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसका मार्केट रेट है 120 to 150 rupees। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं हार्ट शेप मोल्ड। अभी ये हार्ट शेप मोल्ड है जो मेरे पास 1/2 kg, 1 kg एंड 1.5 kg ऐसे है, जिसका मार्केट रेट देखेंगे तो 150 to 200 rupees तक इसका पूरा सेट मिल जाता है। इसके बाद हम लोग जो भी बेकिंग के लिए पेपर लगता है, हम लोग ऑयल या मैदे से भी ग्रीस कर सकते हैं, बट मार्केट में ऐसे इको बेक पेपर मिल जाते हैं। अभी मेरे पास ऑडी का इको बेक पेपर है जो डिफरेंट साइज में अवेलेबल है और जो हम लोग मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं। मीन्स एक बार यूज़ करने के बाद हम लोग इसका फिर से ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाती हूँ। मैंने एक राउंड केक टिन लिया है जो कि 6 inches का है। इसमें मैं ऑडी का इको बेक पेपर ले रही हूँ जो कि 6 inches का है। तो इस तरह से हम लोग केक को ग्रीस करने के लिए इस टाइप के बेकिंग पेपर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ट्रोपोलाइट का व्हिपिंग क्रीम जो कि प्रीमियम ब्रांड है। हम लोग इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, जिसका नेट वेट है 1000 grams मीन्स 1 kg। तो इसे पूरा लिक्विड होने के बाद ही हम लोग व्हिप क्रीम बनाने के लिए यूज़ करेंगे, जिसका मार्केट रेट देखेंगे तो 170 to 200 rupees तक हमें मिल जाता है। अभी व्हीपिंग क्रीम व्हीप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बीटर। तो आप ऐसे छोटे बीटर का भी यूज़ कर सकते हो जो कि मेरे पास फिलिप्स ब्रांड का है, 300 watts। अभी 300 watts का बीटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रॉपर केक व्हीपिंग का व्हीप होने के लिए या एक शार्प एजेस लेने के लिए ऐसे 300 watts का बीटर ज़रूरी है। अभी मैं इसमें ये स्टील के 2 nodes अटैच कर रही हूँ। इससे क्या होता है, व्हिप क्रीम व्हिप होने के बाद हम लोग इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं। अभी ये 1 to 5 की तक है जो कि स्पीड रहता है अपना, स्लो टू हाई स्पीड। तो ऐसे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर स्पीड। और ये डिटैचेबल है, इसलिए ये स्टील के नोड हम लोग बाद में ये बटन प्रेस करके ऐसे ये डिटैच कर सकते हैं, जो कि क्लीनिंग करने के लिए हमें बहुत ईजी होते हैं। केक का एक प्रॉपर मेजरमेंट देखने के लिए या 1/2 kg 1 kg केक प्रॉपर बेक करने के लिए इस टाइप के मेजरिंग कप्स भी मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास है यहाँ पे प्लास्टिक के कप्स जो कि आप देख सकते हो, इसमें 1/4 cup मेंशन रहता है, जो कि 1/4 cup अपना 50 ml है एंड ये है 1 cup जो कि 200 ml का है। तो इस टाइप के मेजरिंग कप्स का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1 teaspoon 1 tablespoon जो कि प्लास्टिक के हैं। सेम मेरे पास स्टील में भी अवेलेबल हैं, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो इसमें भी मेजरमेंट मेंशन है।
तो आप इस तरीके से स्टील या प्लास्टिक कोई भी मेजरिंग कप का यूज करके एक प्रॉपर केक बेक कर सकते हो। सेम यहाँ पे 1/4 टीस्पून 1/8 टेबल स्पून ये सब सारे स्पून इसमें मिल जाते हैं। तो हम लोग इस टाइप के स्पून का यूज करके एक प्रॉपर मेजरमेंट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है केक मिक्सिंग बाउल, जिसमें मैं यूज कर रही हूँ विस्कर का। केक का बैटर बनाने के लिए इस टाइप के विस्कर का हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिया है स्पैचुला। स्पैचुला का यूज हमें प्रॉपर बैटर के लिए या व्हिपिंग क्रीम व्हिप होने के बाद प्रॉपर उसे मिक्स करने के लिए इस टाइप के स्पैचुला का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ब्रश। ये ब्रश हम लोग ऑयल ग्रीजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जो हम लोग मोल्ड को लगाते हैं। फिर ये मैंने लिया है ब्रेड कटिंग नाइफ। केक का लेयर कट करने के लिए इक्वल हम लोग इस टाइप के नाइफ का यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लिया है पैलेट नाइफ। प्रॉपर व्हिप क्रीम लगाने के लिए केक के लिए इस टाइप के पैलेट नाइफ का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे है ब्रेड कटिंग नाइफ, दो है मेरे पास पैलेट नाइफ। इसके बाद मेरे पास है केक मिक्सिंग के लिए लगने वाला विस्कर, जिसके सहायता से हम लोग एक प्रॉपर केक बैटर बना सकते हैं। फिर यहाँ पे है ऑयल ग्रीजिंग के लिए लगने वाला ब्रश, और जो लास्ट में है दोनों वो है अपने पास स्पैचुला, जो हम लोग प्रॉपर क्रीम के लिए या बैटर के लिए भी जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सारा मटेरियल आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ टर्न टेबल। अभी टर्न टेबल मेरे पास ये मेटेलिक है। मेटेलिक का टर्न टेबल हमें अप्रोक्सीमेट 800 से 1000 रुपये तक मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा हेवी होने की वजह से हम लोग एक प्रॉपर केक इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। आप प्लास्टिक का भी टर्न टेबल यूज़ कर सकते हो, जो 250 to 400 तक हमें मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ नोजल्स, जो हमें केक के डिज़ाइन के लिए यूज़ होने वाले हैं। आप डिफरेंट टाइप्स के नोज़ल यूज़ कर सकते हो। मेरे पास एक ये छोटे डिब्बे में मैंने जो हमें ज़रूरी है वो सारे नोज़ल्स रखे हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 mm नोज़ल, जो कि बड़ा वाला नोज़ल है। वो हमें मार्केट में 70 to 80 रुपीज़ तक मिल जाता है। ये है एक छोटा नोज़ल, जो हमें 30 to 40 रुपीज़ तक मिल जाता है। और यहाँ पे मेरे पास है एक सुल्तान नोज़ल बोलते हैं इसे, जिसे हम लोग रसमलाई केक या गुलाब जामुन के ऐसे डेजर्ट्स केक के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी केक के डिज़ाइन के लिए हमें साइड में एजेस फिनिशिंग के लिए इस टाइप के स्क्रेपर का यूज़ होता है। ये स्क्रेपर की मदद से हम लोग एक प्रॉपर फिनिशिंग केक को दे सकते हैं और एक अच्छा सा डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास केक स्क्रेपर नहीं रहेगा तो एक पुराने प्लास्टिक के फाइल का टुकड़ा कट करके भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो आप इस टाइप के स्क्रेपर का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आप ये पूरा जो सेट है, ये हमें प्रॉपर जेल केक के लिए यूज़ होगा। इसका यूज़ मैं आने वाले वीडियो में कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है पाउडर स्प्रे। पाउडर स्प्रे हम लोग फ्लावर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हिप क्रीम से फ्लावर बनाने के बाद इस पाउडर स्प्रे करके हम लोग एक अच्छा सा उसे कलर दे सकते हैं। सिल्वर स्प्रे का यूज़ आप केक के फिनिशिंग के लिए कर सकते हो। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये स्प्रे है, जिसका यूज़ करके आप एक अच्छे से केक को फिनिशिंग या शाइन दे सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है लिक्विड फूड कलर। लिक्विड फूड कलर का यूज़ हम लोग व्हिपिंग क्रीम कलर करने के लिए या केक बेस को कलर करने के लिए कर सकते हैं। 200 to 250 रुपीज़ तक ये एक बॉटल मिल जाती है। अभी लिक्विड फूड कलर जैसे मार्केट में जेल कलर्स भी अवेलेबल है, जो हमें 200 रुपीज़ तक मिल जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन रहता है। और सेम अभी पाउडर फॉर्म कलर्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जो 50 to 60 रुपीज़ तक इसका एक छोटा डिब्बा हमें मिल जाता है। तो आप इस टाइप के कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ शिमर केक के लिए लगने वाले स्प्रिंकल्स। थोड़ा सा चमकीला यह रहता है, तो हम लोग इस टाइप के शिमर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें 50 रुपीज़ का एक डिब्बा ऐसे मार्केट में मिल जाता है। आपको अगर प्रॉपर बेकरी स्टाइल केक बनाने हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ केक के लिए लगने वाले क्रश। अभी यहाँ पे मेरे पास है मनामा का पाइनएप्पल क्रश, जो 250 ml का है, जिसका प्राइस देखेंगे तो 90 to 100 रुपीज़ तक मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ
स्ट्रॉबेरी का क्रश। अभी ये स्ट्रॉबेरी क्रश मेरे पास मालाज का है, मालाज, मैप्रो, मनामा, ऐसे हर एक ब्रांड के क्रश का आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास होममेड का पान या गुलाब गुलकंद, इस टाइप के भी मार्केट में क्रश अवेलेबल है। एक डिफरेंट टाइप का केक बनाने के लिए इस टाइप के क्रश का आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक ड्रिपिंग के लिए इस टाइप के टॉपिंग्स का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास मैप्रो ब्रांड का टॉपिंग्स है जो कि चॉकलेट फ्लेवर है, इसमें वैनिला, स्ट्रॉबेरी, इस टाइप के भी फ्लेवर मिल जाते हैं। अभी मेजरिंग कप जैसे आप वेट स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। ये वेट स्केल जस्ट ऑन होने के बाद इसके ऊपर आपको बस एक आपका केक मिक्सिंग बाउल रहेगा, या केक का वेट चेक करना है तो आप इसके ऊपर टिन भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक केक मिक्सिंग बाउल लिया है और मैंने टेर पे क्लिक किया, जिससे क्या होगा इसका मेजरमेंट ज़ीरो हो जाएगा। अभी आप इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट अच्छे से डाल के उसका प्रॉपर मेजरमेंट चेक कर सकते हो। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमें यूज़ होता है चॉकलेट कंपाउंड, जो कि मेरे पास मोर्डे ब्रांड का है। वाइट कंपाउंड या वाइट गनाश बनाने के लिए आप वाइट कंपाउंड यूज़ कर सकते हो, चॉकलेट के लिए आप डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ अमूल फ्रेश क्रीम का भी यूज़ होता है चॉकलेट गनाश बनाने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने लिए है इसेंस। अभी मेरे पास पाइनएप्पल का इसेंस है जो कि फैब ब्रांड का है। आप कोई भी नॉर्मल इसेंस भी यूज़ कर सकते हो जो आपको एक अच्छा सा केक को टेस्ट या फ्लेवर देने के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने लिया है पाइपिंग बैग। अभी पाइपिंग बैग का यूज़ होगा हमें केक को अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए। तो इसे यूज़ कैसे करना है, तो मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और अभी इसमें मैं एक नोज़ल इंसर्ट कर रही हूँ। नोज़ल इंसर्ट करने के बाद हम लोग इसे सामने से कट करेंगे और इसमें व्हीपिंग क्रीम ऐड करके हम लोग केक को अभी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ऐसे आप पाइपिंग बैग का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है रोज़ नेल। रोज़ नेल का यूज़ केक के फ्लावर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इसे हम लोग यूज़ करके एक अच्छे अच्छे फ्लावर्स बना सकते हैं। मार्केट में इस टाइप के कुछ पेपर टैग्स भी अवेलेबल रहते हैं जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बर्थडे टैग, एनिवर्सरी टैग्स, या इस टाइप के एक्रेलिक टैग्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। पेपर टैग्स 100 रुपीज़ का एक पैकेट मिल जाता है जिसमें 100 पेपर टैग्स रहते हैं, और एक्रेलिक का एक टैग हमें 40 to 50 रुपीज़ तक मिल जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है फोंडेंट। फोंडेंट का यूज़ हम लोग कोई भी केक के ऊपर टूल्स बनाने के लिए, जैसे कि कोई कैरेक्टर बनाना है, कुछ डिज़ाइन बनानी है और फोंडेंट हमें कम से कम यूज़ करना है, तो हम लोग ऐसे फोंडेंट का यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में 500 रुपीज़ का 1 kg ऐसे एक डिब्बा मिल जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है केक बेस। अभी केक बेस का यूज़ आप केक के बॉटम में कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये केक बेस अवेलेबल है जो कि 8 inches का है। इसके बाद ये 1.5 kg का केक बेस है, तो इस टाइप के बेस का भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है एक्रेलिक केक बेस जो आपको मार्केट में 100 to 150 rupees तक मिल जाएगा। जो नॉर्मल केक बेस है वो आपको 10 to 20 rupees तक मिल जाता है, बट इस टाइप के एक्रेलिक बेस आपको मार्केट में 100 rupees तक मिल जाता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ केक को पैकिंग करने के लिए लगने वाला बॉक्स, जिसे हम लोग केक बॉक्स बोलते हैं। आप 1 kg, 1/2 kg ऐसे अलग अलग वेट में ये मार्केट में मिल जाता है, तो आप इस टाइप के बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकते हो। मार्केट में टॉल केक्स के लिए कोई डॉल केक है या कोई टॉल केक थीम का केक है, तो उस टाइप के बॉक्सेस भी मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप उसका यूज़ करके भी केक को एक अच्छे से पैकिंग कर सकते हो। अभी ये जो केक बॉक्स है ये मार्केट में 10 to 12 rupees तक मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है न्यूट्रल जेल। बेकरी स्टाइल केक बनाने के लिए इस टाइप के न्यूट्रल जेल का यूज़ होता है। आप ऐसे 1 kg डिब्बे का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा है केक का बेसिक मटेरियल।